जय श्री राम भाई, सारे भाइयों ने गुड आफ्टरनून। और भाई दोपहर के बज रहे 3:30 और तुम्हारा भाई हो चुका है नहा धो के रेडी। और भाई आज काफ़ी बात करनी है, पहले मैं आराम तक बैठ जाऊं। भाई मन्ने होली के बाद आज कैमरा उठाया, तुमने पिछले 2 व्लॉग देखे, एक तो हम खेत में गए थे पूरी फैमिली, मम्मी मैं गौरव बापी और भतीजा। तो उसके बाद उस तो पहला मैं आइस स्केट करके आया था, तो भाई वे दोनों ब्लॉग पहला गए हैं जो 2 व्लॉग तुमने देखे। तो भाई मन ने होली के बाद आज का कैमरा उठाया है, तो इतने दिन बाद कैमरा उठाया, ऊपर था भाई रूटीन ख़राब, सब कुछ मतलब लाइफ अनस्टेबल हो रही थी, चेहरे दे पता चलता होगा दाढ़ी टूडी बढ़ रही है, कटवा कहानी है। तो भाई सीन कुछ ऐसा आई, तम बहुत से भाई पूछो थे भाई व्लॉग इतने लेट क्यों रहे, व्लॉग इतने लेट क्यों रहे। तो देखो भाई मैंने कई बार बता रखी पहला भी, जरूरी नहीं होता लाइफ हरदम एक स्टेबल चल रहा है, इफ जुगर बस है, बस एक रोड पे चल रही है। तो भाई गड्ढे भी आवे बीच में, वडक मगाओ भी है इस साथ, है ना कि प्लेन जहाज है वो अग भाई कुछ न, जहाज में भी ब्रेक कराया करे। तो भाई नुए लाइफ है, उतार चढ़ाव जिंदगी मारते रहे, कुछ पर्सनल लाइफ में हो गई थी तो छोड़ो, उस बारे में कोई बात ना करनी, बस मैं नु बताऊं कि भाई सा कुछ ना है और बाकी सब ठीक है, भगवान की दुआ तक घर परिवार सब कुछ ठीक है। बहुत से भाई टेंशन ले रहे थे भाई के बात होगी के बात होगी, तो भाई कोई दिक्कत ना है, सब कुछ ठीक है। ऊपर तो यार तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी हो रही है, मेरी आवाज़ तो मेरा लागता होगा, मन लाग गया मेरा, खरोना हो गया ना, टेस्ट आता ना भाई कुछ, कति जुकाम खांसी कफ मतलब बुरा हाल हो रहा है, तुम समझ सको वायरल फीवर में किसा वगैरह है, क्योंकि भाई सीजन चेंज होना लग रहा है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और भाई रही बात, मन सारी बताई थी तो कुछ नया, टाइम टू टाइम व्लॉग आऊँगे, इन्जॉय करो देखते रहो, बढ़िया मज़ा आओगा। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज कुछ स्पेशल है व्लॉग में, मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो भाई मैं बनवाने जाऊँ मम्मी के मम्मी का टैटू अपने हाथ पे, तो मम्मी ने मेरा कोनी पे, मम्मी नीचे सोना लग रही है, तो कोशिश है अगर भाई टैटू वाला पा गया तो बनवाऊँगे, और बीएड वीएड सेट कराऊँ, गाड़ी कई दिन तनुए खड़ी, गाड़ी दवा लाऊँ, मतलब जो काम साइड में पड़े थे वे कर लूँगा। ओके, क्योंकि भाई मैं ना मतलब दिमाग मेरा इतना प्रेशर ले रहा था, हो जाए ना लाइफ में कई बार के भाई तुम हर चीज़ तो उग जाओ के भाई ना थारा कैमरा ठाण का मन करता, व्लॉग बनाने का या कुछ भी, तो पर्सनल लाइफ में कोई हो जाए बातचीत इसी, भाई कोई छोरी का मैटर ना था, कदे कोई छोरी का मैटर सोचा ऐसा कोई मैटर नहीं था, सब कुछ ओके रुपये भगवान की दुआ है। तो भाई बस लाइफ में उतार चढ़ावा तेरा, इसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो भाई चलो फटाफट, अपना एक भाई है दीपक, उसने बिठाते हैं गाड़ी में, गाड़ी दबाते, एक तो गाड़ी का बुरा हाल हो रहा खड़ी खड़ी, 10 दिन तक गाड़ी खड़ी है मेरे ख्याल से, तो जैसा भी होगा देखते हैं ब्लॉग में, चलते सीधा रोहिणी। तो भाई अपनी गाड़ी में आ चुके हैं और दिल्ली में गर्मी का कहर, देखो भाई से कितनी स्पीड में चल रहा, और भाई गाड़ी में देखो कितनी धूल जम रही, कैमरे में इतना ना दिखता, ये देखो बोनट बानट कती रेत की हो रही है। तो मैं वाशर वूशर ना चलाता, वहाँ सीधा पानी मरवा देंगे ताकि स्क्रैच ना हो। तो चलो भाई फटाफट निकलते हैं, दीपक भाई को बिठाते हैं और निकल जाते हैं रोहिणी। ताऊ राम राम। कितने को सामान मंगा था? अच्छा तू भी बटबटी लाए अंडे जा दो फारा उत्ते। ठीक है सामान में समझ गया कौन सा सामान क्या है, ड्रिंक। चलो भाई ओम नमः शिवाय, बोल शंकर भगवान की जय, लेट्स गो। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। अरे भाई बढ़िया डार्लिंग, ठीक है बढ़िया, चले भाई चलो भाई, आड़े तो मोड़ नहीं है, फ्लाई ओवर रखते हैं। मोड़े दे मोड़, चलो भाई मोड़े ले, हमने रोई नहीं जाना यार, सीधा दौड़े जा रहे हैं। अरे गाड़ी कड्डी 10 दिन माच कड्डी यार, ये सीधे पानी मरवाऊंगी मैं, मैंने वाइपर वाइपर ही मारे ना मारे, मैं स्क्रैच आऊंगी काम का ना, सीधे पानी मारे। चलो भाई हाँ हाँ 10 दिन तो यार नुए खड़ी है, क्या करूँ, चलो भाई गाड़ी तो वाले फिर सीधे मिलते हैं आपको। ये देखो भाई हमारे गांव में गाड़ी साफ करने वाले भी चैन पहरे रहे हैं, हल्के मुतली बदमाश। गाड़ी धोई भाई, अब कपड़ा लग जाए रानी को चमकवा दे फिर निकल, चेहरा थोड़ा वो हो गया मेरा डल सा पड़ गया, तबीयत खराब हुई, रूटीन ना हो पाया, कई दिन दवाई दुई ना लगी, हो जाएगा साफ, क्योंकि हमारे पास वो है क्या दवाइयाँ। हमारी मैम जोई नेल्स, तो वो हमें अपने आप अंग्रेज बना देगी। भाई गाड़ी अपनी धोगी चमक के मस्त रेडी होगी, और धूप बहुत तेज हो रही है, काली गाड़ी को काम में बढ़िया चमकती थी ना बाहर, चलो भाई अब सीधा निकलते रोहिणी, वहां पे पहुंच के मिलते हैं। सब तो पहले यार बीएड सेट करा लूँगा, मेरे चुप्पल लाग रही है।
फाइनली पहुंच गए अपनी लोकेशन डीसी चौक लोक सैलून और अब फटाफट इस जंजाल को कटवा दो। अरे मूछ चुभल लाग जाए यार, मूछा पे बाल आ जाए ना, दुखी हो जाए यार, इरिटेट से हो जाए। हाँ चलो भाई लुक्स में चलते हैं, सीधा आपको ऊपर मिलते थार देगी, कितनी सेक्सी लग जा लो ना, बढ़िया लग गया भाई, जिसकी भी है मस्त भाई, एक नंबर ही बढ़िया लग गया। चलो भाई सीधा अपना करवा ले सिस्टम हैंग, उसके बाद मिलते हैं आपसे ऊपर चल के, लेट्स गो। नाइस, देखा ना है तो ये बात किसी लागी मेरी बांध रही। चलो कि जाना हमने ऊपर उड़ा है, आड़त को समझ में ना आता, कितनी तगड़ी मार्केट है ना छोटे। लुक्स में जाके लुक्स एनहेंस करवा दें अपनी, क्या एनहेंस। चलो ये देखो भाई, ये नाई की दुकान और ये किसे देख अंग्रेज आ रहे। चलो भाई आ रहा अपना बंदा, मैं नोला मगा उसने भेज दो कारीगर ने, छोटा नोला कारीगर कारीगर है और ये प्रोफेसर थोड़ी है। पर भाई वो है इनकी हाइजेनिक चीज का, मुंह एक तो लिए थे तो आदमी आगे मुंह रगड़ते हैं, बीमारी का घर है कोरा जट्टा सरे आम तो धक्का कर दे। यस ब्रो आई एम रेडी, मस्त हो गया अब देखो। लो भाई छोटे ने भी मुख करवा लाए, डैडी टू डी इसकी भी करा दी सेट, और अब हम जा रहे टैटू वाले के पास, G3S इसका फ्रेंड है वो। छोटे दिखा ये तने छपवाया जो खाटू बाबा, ये देखो भाई बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया, देखो कितना मतलब है ना ना, तो इसे बहुत रब ये ले ले टैटू के, ये जो है पर ये बढ़िया टैटू वाला भाई, एक नंबर का उसका होगा, रुकवा लगाऊंगा यारी नहीं बाप प्रेसर वाली इन मुंह पर लगा ली इतने। चलो भाई सीधा G3S पहुंच के मिलते हैं आप लोगों को, लेट्स गो। लो भाई पहुंच के G3S, काफी टाइम बाद आया हूं मैं, यो पहला कितना चला करता ना, अरे इसका कुछ अता पता नहीं है क्यों आड़न रे खचरे आल लग गए। चलो भाई अंदर चल के मिलते हैं आपसे। यो भाई आगे चल रहा गैंगस्टर गैंगस्टर वाड़ है, खुल तो सही रहा BTW ऊपर के है यो छोटे बिरयानी बिरयानी के आड़ है। चलो भाई वैक्स का देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा था, वह कति चमक रहे है ना, वो मैं ट्रिमर मारते इतनी तो इतने मोटे मोटे बाल आ रहे हैं, पर ये सब तो बढ़िया जुगाड़ है। पर ये हमारे टैटू मास्टर भाई और ये इनका स्टूडियो, स्टूडियो ही बोलते इसको या और कुछ बोलते, टैटू स्टूडियो भाई, ये भाई का टैटू स्टूडियो है छोटे का, दिखाई यही में ये देखो भाई कितना प्यारा टैटू बना रखा है भाई ने। भाई मैंने बहुत पसंद आई आपकी आर्ट, यो मैंने टैटू देखा ना तो भाई हमके एक रेफिल आ लियो जो मेरा है, यो भाई मैंने लोकल मेले वेले में छपवा लिया था, माँ लिखवाया था तो इसने कवर अप करा है, मतलब माए लिखेंगे पर इसको प्रो कर देंगे, मतलब फिनिशिंग बढ़िया दे देंगे, वही बहु ये नकली जो कर लोकल हो गया नू है देखो। तो चलो भाई अपना कार्रवाई स्टार्ट हो रही है और भाई ना कर लन दो क्योंकि ज्यादा हिलना डुलना ठीक ना है, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ मैं तुमने कैसा क्या है, और एड्रेस वगैरह मैं सारी चीज दे दूंगा किसी भाई ना कोई बढ़वाना हो आज भाई, मतलब बहुत बढ़िया रेट में बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी चीज ये है कि भाई सारा इम्पोर्टेड यूज करते हैं ना भाई आप, इंक वगैरह सब इंटरनेशनल, मतलब उस आप होना है फेक यार, छोटे का टैटू देख लो कितना बढ़िया है, और भाई रेट बहुत बढ़िया है ना, कि बाहर जाओगे कटोगे चीज वो ही होनी है। तो चलो भाई मैं यो करवा लूं भाई, लाग रहा है इसमें देखो, और इसको एक बार पूरा होने दो उसके बाद मिलते हैं आप भाई। कुछ यो डिजाइन है ये देखो, मां पा बनेगा यो, यो देखो यो पी और यो डबल ए, तो इस हिसाब से बनेगा पी डबल ए क्योंकि कवर अप भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी, मां पा हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा। बाकी देखते हैं अभी पूरा रेडी होने दो, बाकी मर्द को दर्द नहीं होता है, हम थोड़ी थोड़ी आड़े बैठ करो है, आई मामर की आई री मामर की कुछ ना भाई, देखो इतना बहुत है मतलब इतना मेरा ना फाटता इतना ना हुआ है, तो पहला भी छपवा रखे मैंने ईसा ना आके आडा साफ के तारू में क्यों बना भाई है। भाई फाइनली अपना टैटू हो चुका है पूरा रेडी, दिखाओ भाई कैसा बना, एक 3 2 1 गो, ये फिनिशिंग देखो भाई कितनी प्यारी आई, पहला के कबाड़ थारी के बना दिया। तो भाई ये होते हैं एक प्रोफेशनल टैटूग्राफर के काम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लगा यार आपने, मतलब नू का नू वो टैटू ऐसा कर दिया जो करने आए बनाया ना, जगह भी कवर होगी और टैटू ऐसा लग करने आए,
इसकी बाइक गारंटी कितनी है, मतलब जैसे कलर वलर फेड ना हो या ऐसा कुछ वो चीज़? टैनिंग से होगा, फेड होगा। अच्छा, वैसे कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम टैनिंग से बस बचा कर रखना। अच्छा अच्छा, आप जैसे लगते ना डायरेक्ट। हां भाई, अपना यहां का एड्रेस और बता दो एक बार। रोहिणी सेक्टर 11 G3S J3S में, शॉप नंबर 66 ग्राउंड फ्लोर। भाई कोई भाई आना चाहो तो भाई तो मिल लियो भाई, कॉन्टेक्ट नंबर और बता दो। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देना। आप मुंह ते बोल दो ना, 9901935। ठीक है भाई, क्यों फिर ये मैसेज में स्पेशल मांगे जाएंगे भाई? मेरे द्वारा कोई कमेंट मत करियो, भाई ना बोल के बता दिया आना हो जिस भाई ना, जिस आप टैटू कहोगे कती जो कहोगे वो बना देगा, फोटो फाटू है भाई। तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि भाई बहुत ऑर्डर है भाई के पास, यो तो अपना हो गया काम। बाकी भाई टैटू बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा बन गया जैसा मैं चाहूँ था। तो थैंक यू सो मच भाई, और इसके भाई टेक केयर क्या है बाद की? केयरिंग बस प्रोटेक्ट रखना थोड़ा पानी वानी से। और कितने दिन तक? 6 to 10 days पानी नहीं लगने देना, जैसे चोट की केयर कर देना उस तरीके। अच्छा अच्छा अच्छा, और सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर वगैरह? मॉइस्चराइजर नहीं, अभी तो कोकोनट ऑयल वगैरह या फिर जॉनसन्स का वैसलीन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो लगाते रहे हफ्ता 10 दिन। हाँ, ठीक, बहुत लाइट बरके भी नहीं, बहुत ज्यादा हल्के हल्के। हाँ मॉइस्चर मिल जाए, ऐसे बरके नहीं लगाना। खाल वाल भी उतरेगी कुछ? डेड स्किन निकलती है। अच्छा अच्छा, तो उसको नेल से स्क्रैच नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही रखना बस, खुजली वुजली हो तो नहीं करना कुछ। हल्का सा सरफ कर लिया, ठीक है, नेल से स्क्रैच नहीं करना। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और भाई किसा लग गया छोटे टैट? ये ऊपर नीम पैक कर दिया भाई, पोस्टमार्टम दी जाए नुए तक कर दिया पोस्टमार्टम है 14 पैक। चलो भाई, तो भाई टैटू अपना हो गया समाप्त, बाकी दूसरा जो टैटू बनवाना वो कुछ स्पेशल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो चलो भाई, सीधा यहाँ काम खत्म हो गया, भाई से मिल के फिर मिलते हैं आपसे बाहर चल के। वेट भाई, अपना टैटू हो गया कंप्लीट और हम लोग आ चुके बाहर। और मेरी बात सुनो भाई, बहुत से भाई कमेंट करेंगे क्या रुपए क्या रुपए, तो भाई भाई ने मार तो बता दी 600 रुपये इंच के हिसाब से है। इफ थारा टैटू जै इंच का होगा उस हिसाब से तुम देख लियो, 600 रुपये पर इंच है। तो आइडिया लगा लियो जी नजी सा बनवाना हो इतने रुपये पर। भाई नू है कि एक तम की तरह प्रोफेशनल जगह बढ़ जाओगे ना, कम से कम इस टैटू के भी जो मैंने बनवाया है 8-10 हज़ार मांग लिया ना छोटे। अरे वो भाई मारा इतने, मतलब नू मान लो निडल निडल के मारा था भाई, चारा भाई निडल निडल के रुपये लग गया। तो चलो भाई ठीक है, चलते घर या खड़ी अपनी टार। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गाँव में, और इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते अगले व्लॉग में। और अगले व्लॉग में बता दूं क्या है भाई, मैं और छोटा भाई हम दोनों जा रहे हैं कहाँ? खाटू श्याम। खाटू श्याम, जय श्री श्याम भाई, बाबा धो रहा है दर्शन करा मैं। जिंदगी में जब उदासी आ जा, उतार चढ़ाव आ जा ना, तो भाई मैं बाबा धो अलीगढ़ जाया करूँ। हालांकि मैंने बालाजी भी जाना कोशिश रही भाई, देखो मूड के ऊपर है या सब कुछ ठीक ठाक रहा था, बालाजी भी जाएंगे, बालाजी खाटू श्याम में दोनों ही कराओगे, 2-3 दिन लग जाएंगे नी। तो भाई चलो फटाफट कर चलते, पैकिंग करते और मिलते अगले ब्लॉग में सीधा खाटू श्याम और बालाजी। जय श्री राम, जय श्री श्याम।